सो एज यू नो गाइज, ये मेरा सेकंड चैनल है एंड इस पर मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड ऑल्सो इस पर इस टाइम एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, या हम इसको वार्निंग कह सकते हैं, एक वार्निंग है। एंड इसके अलावा मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैड टैग्स इवन सेम ही है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ही कहते हैं कि अगर आपके चैनल पर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक या वार्निंग मौजूद हो, एंड ऑल्सो अगर आपके मोस्टली बहुत सारे वीडियोस का टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन या थंबनेल थोड़ा सा भी एक दूसरे से मैच कर जाए, तो आपका चैनल रिड्यूस कंटेंट में चला जाता है एंड आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट हम आज इसी चैनल पर करने वाले हैं विदाउट चेंजिंग टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन एंड इवन थंबनेल। एंड लेट्स सी कि हमारा चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं। अब इस सवाल का जवाब दो कि रियल ग्रो का चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने YT स्टूडियो ओपन की एंड यहां पर जो लास्ट में हर्न का ऑप्शन है मैंने इस पर क्लिक की। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। तो इसके बाद यहां पर सिंपली मैंने अप्लाई नाउ इस पर क्लिक की एंड देन फिर इसके बाद हमारे पास तीन स्टेप्स आ गए। इनमें से पहला स्टेप तो बिल्कुल इजी है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अब चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट पे क्लिक की एंड देन फिर इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता गया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। सिंपली इसको टिक करके एक्सेप्ट कर लें। सो जैसा कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारे पास बारी है सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप पे सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है या नहीं। सो अगर आप लोगों में से किसी के पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो यहाँ से सिंपली यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट मींस फर्स्ट वन पे क्लिक कर लें। एंड अगर आप लोगों के पास एडसेंस नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें, नाउ आई नीड टू क्रिएट वन। एंड अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी एडसेंस मौजूद था या नहीं, तो इसके लिए आप लोगों को थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो सिंपली मैं फर्स्ट वन पे क्लिक कर लेता हूँ। सो अब यहाँ से आप लोगों को अपना कोई सा भी ईमेल सेलेक्ट करना होगा जिस पर आप लोग अपना एडसेंस बनाना चाहते हैं। सो मैं अपना एक ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर इसके बाद हमारे ओल्ड एडसेंस के सारे डिटेल हमारे पास शो होते हैं कि अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मेरे सारे डिटेल वगैरह परफेक्ट है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड देन फिर इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। तो यहाँ से आप लोगों को सिंपली सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना होगा एंड इसके बाद यहाँ से आप लोगों को रीडायरेक्ट यूट्यूब सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। सो अब जैसा कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा थर्ड स्टेप इन प्रोग्रेस में चला गया है, तो इसको कंप्लीट होने में एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है एंड इवन एक महीना भी लग सकता है। बट गाइज अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, बल्कि प्रॉब्लम ये कि मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चैनल पर बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं लाया। मैंने एज इट इज इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दी एंड नाउ लेट्स सी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। सो अब फाइनली गाइस हमारा ए चैनल भी मोनेटाइज्ड हो चुका है एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है तो उसके लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं 900 सब्सक्राइबर वाले चैनल का गिव अवे करने वाला हूँ। सो क्यों और कैसे ये जानने के लिए वीडियो पे क्लिक करें, हम मिलते हैं वहीं पे। जस्ट क्लिक नाउ, बाय।